नया साल 2024 का आगाज बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। रांची वासियों में उत्साह है, साथ ही साथ मकर संक्रांति की त्योहार भी आ रहा है। लोगों को इंतजार है मेधा डेयरी के नए प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्काउंट्स की। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी सौरव रॉय ने मेधा डेयरी के डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह से खास बातचीत की, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। आने वाले नए साल में तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नए साल में नई नई खुशियाँ उनको मिले और बाकी भारत का विकास हो सके। मैं सबों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और न्यू ईयर्स ग्रीट करता हूँ। तुरंत अभी दही चूड़ा का जो एक मौका बहुत ही समझिए कि पसंदीदा पर्व आता है, जिसमें दही खिलाने का, दही चूड़ा खाने की परंपरा यहाँ रही है, साथ में तिल भी रहता है, तब वो पूरा हो जाता है। मेधा हर साल जो है दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता पिछले 2 साल से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स भी आया है। पिछले साल भी करीबन 250 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और एक तरह से कंपटीशन, क्योंकि झारखंड में लोग ना कमाना भी जानते हैं और खाना भी जानते हैं। तो पहले जो था सिर्फ माइंस था, अब मिल्क विथ माइंस है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे किसानों ने जो मेहनत किया वो आज 2.5 लाख लीटर प्रति दूध जो है ग्रहण करते हैं, एक रिकॉर्ड है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ के किसान जो है इस तरह से इसको अपनाएंगे। तो नॉर्मली क्या था, यहाँ रोजगार थे, सबसे लोग यहाँ से बाहर जाते थे, कोई लद्दाख जाता था, कोई उत्तराखंड जाता था, कोई हैदराबाद जाता था। पर धीरे धीरे लोगों ने इसको गोपालन को यहाँ अपनाया और उसका अब रिजल्ट है कि 2.5 लाख जो दूध है ये किसानों द्वारा उत्पादित हमारे जितने दूध है उसको लेकर, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है अपने ग्राहकों के लिए तरह तरह का मिठाई उत्पाद उनके लाए। इस साल नए साल में उनको हम राबड़ी का तोहफा देने जा रहे हैं, 20 रुपये का सामान्य का राबड़ी का पैकेट है। हमने अभी ट्रायल लिया था इसका ज़बरदस्त डिमांड देखते हुए, इतना डिमांड था कि जब हम लोगों ने शुरू में कोई 20,000 कप मंगाया तो 5 दिन भी नहीं चल पाया, सारा समाप्त हो गया, डिमांड बढ़ता गया, क्योंकि उस कप को उनको बाहर से मंगाना पड़ता है, इसे डिजाइन करते हैं, तो वो हम बॉम्बे से मंगाते हैं। फिर हमें टाइम लग गया 15-20 दिन का, एक साथ ही हमने 5 लाख का ऑर्डर किया। इतना जब डिमांड है मैं देख रहा हूँ, जब उसको दिया हूँ लोग इसको बेहद पसंद कर रहे हैं, शुद्ध दूध का बना हुआ है। और इसी बहाने आप अपने बच्चे को अगर राबड़ी खिला देते हैं तो समझ लीजिए कि 2 ग्लास दूध आपने उसको पिला, तो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, मीठा है, तो बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो और जहाँ तक मकर संक्रांति का सवाल है, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जितना 100 टन 200 टन जितने दही की आवश्यकता होगी हम लोग पूरा करेंगे। इस बार भी हम 15 केजी के पैक में, 5 केजी के पैक में, 1 केजी के पैक में, 0.5 केजी के पैक में, 200 ग्राम के पैक में और 100 ग्राम के पैक में दही भी होगा। इस बार भी हम लोग अपने ग्राहकों के बीच इसको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर साल डिमांड ऑलमोस्ट दुगना हो जा रहा है, लोगों ने इसको इतना पसंद किया है। इसका कारण है कि जो हम लोग बनाते हैं दही वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं, कम्प्लीट ऑटोमेटिक प्लांट में बनता है और उसमें जो जोरन डालते हैं जिसका बहुत ही महत्व होता है वो हम डेनमार्क से मंगाते हैं और स्पेशली वो मकर संक्रांति के लिए हम लोग मंगवाते हैं उसको और बनाते हैं। साल भर भी चलता है वो, डेफिनेटली रहता है, क्योंकि दही में क्या है ना, यहाँ 2 तरह की बातें होती हैं, चूड़ा दही, दही चूड़ा। हम लोग विश्वास करने वाले हैं लोगों को, हम दही चूड़ा खाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दही लेते हैं कि एक बार खाए तो याद रखें, उसमें बहुत ज़्यादा खिसापन भी हो। उनके लोगों को सर्दी खांसी, ठंड में ही लोग पसंद करते हैं खाना, लेकिन लोग डरते हैं सर्दी खांसी हो जाएगा, बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, पर इस दही की खासियत यही है जिसमें कल्चर डाला गया है उन सारे बैक्टीरिया को निकाल दिया गया है, जिसके चलते खांसी सर्दी या न्यूक्लिया बढ़ाने। मैं लोगों से कहूँगा कि जम के खाएँ, सुबह खाएँ, दोपहर खाएँ, शाम में खाएँ, दही खाएँ और मेधा का दूध पिए, और निश्चित रूप से पौष्टिक है, गारंटेड। सबसे बड़ी बात है कि जो दूध हम देते हैं ये झारखंड के किसानों का उत्पाद है, बाकी कोई भी ब्रांड कोई बिहार से लाता है, कोई गुजरात से लाता है, कोई अन्य जगहों से बंगाल से लाता है, और ये सारे के सारे दूध झारखंड के किसानों का उत्पाद है। और झारखंड में आज भी परंपरा है 89% देसी गाय, तो लोग चर के आती है गाय, उसको दूधते उसको देते हैं, उसका जो है मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी दूध को लोग बाहर में A2 दूध करके 150 रुपये लीटर बेचते हैं, हम तो यहाँ की जनता को
वही 40 से लेके 50-55 रुपए तक उपलब्ध कराते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। आपसे देखा जाए तो ब्रांड के हिसाब से तो काफी डिमांड बढ़ा है, हम 2 लाख का प्रति लीटर का पार कर पाए और दुनिया में दिन बढ़ता जा रहा है। उसी तरह पनीर का, क्योंकि लोग जो यहाँ जो मांसाहारी और मांस खाते हैं, लेकिन जो नहीं खाते हैं मांस, जो वेजिटेरियन है, वो हमारे पनीर की सब्जी बनाते हैं। और मेरा पनीर तो ये समझ लीजिए कि बाजार से आप 10 किलो पनीर लाइए, मेरा 6 किलो पनीर लाइए, वो बराबर है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है कीमत उसका लोग ले, हम मॉइस्चर निकाल के उसको ऑलमोस्ट जो एफएसएसआई का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो पनीर हमारा स्पॉन्जी होता है, सेफ है, सस्ते बाजार में पनीर उपलब्ध है, पर मैं कभी राय नहीं दूंगा कि उससे बच्ची की खराब हो सकती है, खराब हो सकता है। खाने पीने के लिए कंजूसी न करें और जब भी लें अच्छा लें, तो मैं इसी की गारंटी लूँगा। चाहे पनीर लेते हैं या दही लेते हैं, गुलाब जामुन आपने देखा हमने नए साल में लाया था, पिछले साल इतना अच्छा डिमांड है, जैसे घी में बना तो एक बार आप गर्म कर लें माइक्रो ओवन या किसी गर्म पानी में रख के किसी बर्तन में, तो आप उसका टेस्ट जो है ऐसा लगेगा कि तुरंत तुरंत बना है, आप मुँह में डालेंगे वो गल जाएगा। तो काफ़ी पॉपुलर हुआ है और लोगों ने पसंद किया है, मेरा का एक्सपेक्टेशन लोगों का है कि जल्द हम पानी लाएंगे, जल्द हम कुक लाएंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारा एक नई फैक्ट्री ही बन रही है जो कि प्रोडक्ट बनाएगी, इसमें कुल 34 तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जिसके चलते फैक्ट्री मिलेगा, उनको पानी भी मिलेगा, इनपुट मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा, हर तरह का चीज़, क्योंकि लोगों का विश्वास इसमें बढ़ा है, लोग इसे अपनाते हैं और ये समझते हैं कि हम झारखंड के किसानों के उत्पाद को उपयोग में ला रहे हैं। इसी तरह से आप सिर्फ पहले उसका समर्थन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मेरा दूध खरीदते हैं, बल्कि आप उन किसानों को, जो हमारे गरीब किसान हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, उनको मदद करते हैं। साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का संवाद नहीं कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट आज तक पहुँचता है। और सबसे कम दूध जो सुबह दूध आता है किसान में छोड़ा जाता है, लाते हैं अपना, लेकिन शुरुआत से लाते हैं, आने में भी समय लगता है, दूध जितना ताज़ा हो उतना अच्छा है, सुबह का दूसरा सुबह देते हैं लोग जो है इसको देते हैं। और होमोजेनियस, ऐसा नहीं कि ऊपर साली पड़ जाएगा, नीचे में बराबर रहेगा, इसीलिए हमारा जो एक टेस्ट है और ये 6 लीटर से लेके 200 ml तक के, इसका जो पॉकेट अलाउ करता है, जो मिठाई वाले 6 लीटर का पैकेट लेते हैं, घर वाले 1 लीटर का लेते हैं, स्टूडेंट आधा लीटर लेते हैं, शिक्षा वाले जो है ये उपलब्ध हो गया है और लोग इसको पहुँचते हैं, बिना में हमारा बाजार बढ़ता जा रहा है और हम पूरे झारखंड में अच्छा भी खुले हैं। अब इसको स्ट्रेंथन करना है, इसके 4 डेरियाँ भी और लगाने हम जा रहे हैं, डेयरी में प्रोडक्ट प्लान है, एक पाउडर प्लान बनेगा, ताकि सरप्लस दूध होता है उसको पाउडर बना के धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। सवाल आपसे रहेगा, आमतौर पर हमने देखा है कि बच्चे एक समय था कि दूध से वो दूर रहते थे, दूध पीना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि बच्चे भी बोलते हैं कि हमें दूध पीना है, तो बाजारों से माँ और एवं उनके पिता मेधा के दूध लाते हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड का भी नाम रोशन कर रही है मेधा एक पूरे देश भर में। देखिए मैं तो धन्यवाद दूंगा जनता को जो इसको दूध ले रही है, उन्होंने हाथ हाथ लिया और उन किसानों को जो इसमें जुड़े हुए, ये हमारे ना 2 स्तंभ हैं, एक स्तंभ दूध उत्पादन करता है, दूसरा उसका कन्वर्जन करता है, हम तो सिर्फ इसके बीच का काम करते हैं, दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसका काम करते हैं कि वहाँ से दूध लाया कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि जानते हैं हम हर गाँव में हम लोग दूध ठंडा करने का मसला है, वहीं ठंडा करते हैं, कोई केमिकल नहीं डाला जाता है, कम्प्लीट ऑटोमेटिक प्लांट से उसका प्रोसेसिंग होता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है और फिर हमारे दूध उत्पादक को 4 डिग्री जितने हमारे जो कंज्यूमर हैं सबको 4 डिग्री पर सुबह 4 बजे, तो ये उनका समझिए उनका रोजी देखा, एक परिवार में 5 लोग तो आप देखें तो करीबन 2.5 लाख लोगों का रोजगार जो है यहाँ की जनता दे रही है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो लद्दाख जाएंगे मैं तो वो टनल खोद लें उत्तराखंड से, सबको यहाँ रोजगार मिलेगा और पसंद है लोगों उनको पसंद कर रहे हैं और उनके लिए हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, तरह तरह का आपको फ्लेवर मिलता है, कितनी वेरायटी समझे और ये जो अभी
राबड़ी हमने लाया है, बेसिकली हमारा टारगेट बच्चा ही है कि उसको कम से कम एक आदमी को है 400 ग्राम दूध का कंज्यूशन कर देते हैं। तो अगर वो एक राबड़ी खा लेता है एक कप, तो वो इक्विवेलेंट 700 से ज्यादा है। तो वो जब ले लेता है तो बच्चा जो है उसका ग्रोथ बढ़िया रहेगा, प्रॉपर रहेगा। अभी DPS के बच्चे आए थे देखने के लिए कि कैसे बनता है। वो आश्चर्य कि यहाँ पे एक भी गाय नहीं है लेकिन दूध आ रहा है, लेकिन दूध दिखता नहीं है, पैकेट में बन के निकलता है। उसका प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने साफ अपने एक आदमी से जाके कहा तुम्हें कोई खटाल का दूध नहीं पीऊंगा, मुझे चाहिए मेरा ही दूध चाहिए। और एक गार्जियन ने मुझे फोन करके बताया कि हमारे बच्चे गए थे, वो तो एकदम दूध कह रहे हैं कि जो सिस्टम देखा वहाँ कोई हाथ से छूता ही नहीं है, दूध सब ऑटोमेटिक प्लांट में बनता है और गाय का शुद्ध गाय का दूध है, तो हम वही पिए। तो ये जो है ना, जब एक लोग दूसरे से बात करते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारे भविष्य बच्चे, अगर उनको प्रॉपर हम खाना भोजन पानी दूध देंगे तो उसकी पौष्टिकता जो है निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में पड़ेगा, उसके दिमाग में पड़ेगा और इसका फल मिलेगा जो साथ हमारा जो है विकास से विकसित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, विस्तार पूर्वक सर ने जानकारी दी है।